सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए वो है आंसर राइटिंग स्किल्स। अब एक नॉर्मल तरीके से जो मेजॉरिटी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं वो है ये, स्टूडेंट रीड्स द थियरी कॉन्सेप्ट, सॉल्व्स द क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा है सीधा इमीडिएट रेफरेंस करता है सॉल्यूशंस को और फिर वो वापस क्वेश्चंस पे चलता है। दिस इज एक्चुअली अ पैथेटिक लूप। वंस यू आर स्ट्रक इन दिस आप फंस जाते हो इसके अंदर। क्यों? आप कोई भी कोशिश नहीं, कोई भी एफर्ट नहीं मार रहे हो यहाँ पे, अब इमीडिएटली आपके दिमाग में है कि सॉल्यूशंस को रेफर कर लूंगा और सॉल्व हो जाएगी। मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप आंसर राइटिंग करो एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव वन या फिर एमसीक्यूज, मेक श्योर मल्टीपल सिटिंग्स में करना है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 3 सिटिंग में करो, दैट सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेन इज मेंटेन्ड देयर। इन सोशियोलॉजी वी जस्ट डोंट टीच, वी एक्चुअली फोकस ऑन द टेक्निक्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू लर्न थिंग्स। द बैच क्लोजेस ऑन 12th, जॉइन द बैच, फील द डिफरेंस।